हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करता थे हूँ सारे बच्चे ठीक ऐसा है। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर का नेम। कोई भी बच्चा माइक में तो ऑन करिए। तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं बच्चा। गीत चलो माइक को मिल रहे माइक हैं। चलिए। अब बच्चों, आप लोग को डिस्टरबेंस नहीं होगा। चलिए, तो बच्चों, हम लोगों ने परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ा था। ठीक है, करते कैसे हैं? जैसे मान लो यह एक संख्या रेखा है। ठीक है, यह एक मान लो संख्या रेखा है बेटा। तो सबसे बीच में हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे बीच में हम लोग लिखते हैं 0। फिर इसके तरफ धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं, तो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। इस तरफ हम लोग ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखते हैं, तो -1 -2 -3 ऐसे लिखेंगे, सिंपल। अच्छा, मान लेते हैं अगर आपसे पूछा गया कि बताइए 3/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? 3/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 को आप 2 से भाग दे दो। जब 3 को आप 2 से भाग करोगे, 2 1 2 होता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो इस 3/2 को बेटा ध्यान सुनो, इस 3/2 को अगर आप एक मिश्र भिन्न में लिखना चाहते, जैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे 1 1/2। ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी हैं मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो ये है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, तो ये 1 है और ये 1/2, एक और आधा ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप 1 तक चले जाओ, आप 1 तक चले जाओ। 1 के बाद जाने के बाद 1 और 2 के बीच में जस्ट आधा करना है। ठीक है, 1 और 2 के जस्ट आधा करना है। तो यहाँ पे मैंने देखो आधा किया, ऐसे किया, आधा ऐसे आधा हो गया। ठीक है, ऐसे आधा हो गया। यहाँ पे देखो, ये आपका कहलाएगा 1 सही 1/2। है, मैं थोड़ा इसको और कलर कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाओ। यही वाला जो बिंदु है बेटा, वो कहलाएगा क्या? 1 सही 1/2। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? अगर हाँ तो चैट में लिखिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दिखाते थे। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। आज का टॉपिक है हम लोगों का रेशनल नंबर, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। है क्या ये? देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। तो इस वाले टॉपिक का आप हेडिंग लगा दीजिए अपने अपने नोटबुक में। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ठीक है बेटा, बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चा, ध्यान से अब समझेंगे इसको। तो करते कैसे? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पूर्णांक हैं, एक है -5 और एक है 3। इनके बीच में कुल कितने पूर्णांक आते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहले आप एक नंबर लाइन देखो। ठीक है, एक नंबर लाइन देखोगे तो बेटा बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इस नंबर लाइन पर है ना, आपको एक बनाना है -5 और एक जगह बनाना है 3। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये 0 है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। इधर चले जाओ बेटा, तो -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा -5 और ये आपका रहा 3। तो बच्चों, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के ही बीच में क्या आप लोग बता सकते हैं? इन दोनों के ही बीच में आप क्या बता सकते हैं कि कितने पूर्णांक हैं बच्चों?
कुल कितने प्रोग्राम हैं? बच्चों कुल कितने प्रोग्राम हैं? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने काउंट कर लिया है और उन्होंने बता भी दिया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपके सामने काउंट कर देता हूँ। देखो एक है माइनस चार, एक है माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक और ये दो। ठीक है काउंट कर लो आप, ठीक है बेटा इसको काउंट कर लो आप। ध्यान से देखो, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, बिल्कुल सही बात है। टोटल में पूर्णांकों की संख्या, ठीक है पूर्णांकों की संख्या बराबर सात होगी। तो क्या सारे बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे ये सवाल आपको समझ में आया कि आ गया? ठीक है बच्चे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी है, लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है कि दो क्रमागत पूर्णांकों, ठीक है बच्चा, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच, ठीक है बच्चों, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जीरो। ये है क्या? इसको आप एग्जाम पर के माध्यम से समझिए। देखिएगा मान लो ये जीरो है बीच में, है ना, इधर की तरफ मान लेते हैं वन है, इधर की तरफ ये टू है और ये मान लेते हैं थ्री। इधर आ जाओ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। और मान लो आपसे पूछा जाता है बेटा, मान लो आपसे पूछा जाता है कि बताइए माइनस वन, ठीक है माइनस वन और माइनस टू के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं। मान लो आपसे पूछा गया कि माइनस वन और माइनस वन और माइनस टू के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं, तो क्या होगा इसका उत्तर बच्चों? बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? कितने पूर्णांक आपको दिख रहे हैं संख्या रेखा पर? एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। यही आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर दो, ठीक है अगर दो, एक सेकंड, अगर मान लो दो क्रमागत पूर्णांक हो मेरा, तो हमेशा इनके बीच में कुल पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है? जीरो होती है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है बहुत बढ़िया। अब आगे कंटिन्यू कर, ठीक है बच्चा अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखिए दूसरी बात लिखी गई है, क्या दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है? क्या है इसको समझिए। मान लेते हैं ये एक संख्या रेखा है बच्चों, मान लेते हैं ये संख्या रेखा है, एकदम बीच में जीरो लिख दिया गया, वन टू थ्री, इधर चले जाओ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है। और आपसे अगर ये बोला जाए बच्चों, ठीक है अगर आपसे ये बोला जाए कि बताइए माइनस वन और तीन के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं, कुल पूर्णांकों की संख्या कुल कितनी पूर्णांक है बेटा? तो देखो एक तो आपका ये जीरो है, दूसरा वाला वन है और तीसरा वाला क्या है? तीन है। कुल इतने ही पूर्णांक है, तो आप इनको गिन पा रहे हो ना बच्चों, आप इनको गिन पा रहे हो, तीन होगा, पांच होगा, दस होगा, पंद्रह होगा, पचास होगा, सौ होगा, है ना। तो जितने भी होंगे दो पूर्णांकों के बीच में आप पूर्णांकों को गिन पाते हैं, और इसीलिए इनको बोला है कि जो इनकी संख्या होगी ना वो कैसी होगी? सीमित होगी बच्चों, सीमित। सीमित का मतलब होता है जिसकी सीमा हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो,
और उसको हम लोग गिना ही ना पाए, ऐसा नहीं है। चल आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों क्या ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? आया ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको भी सीख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा लिखा गया पांच, तो पांच को हम लोग लिख सकते हैं पांच बटे एक। तो अगर आप ग्राफ तो देखोगे ना बेटा, ये पांच है और ये क्या है, पांच बटे एक है, पांच बटे एक है ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीजें आप देख पा रहे हैं या फिर ये जो पांच बटे एक देख पा रहे हैं, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है ठीक है बेटा, परिमेय संख्या। जबकि ये जो पांच था ये क्या था बच्चा, ये था आपका प्रोग्राम, ये था आपका प्रोग्राम ठीक है, और ये क्या हो गया था, ये परिमेय संख्या हो गया ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को हम लोग आसानी से परिमेय लिख सकते हैं, कैसे परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, बस पट्टी में एक लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है बेटा, मान लेते हैं माइनस बारह लिखा है, तो माइनस बारह को लिख सकते हैं माइनस बारह बटे एक, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, यह एक पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है, दो बटे पांच और सात बटे पांच के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए ठीक है। सिर्फ हमें दो परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है, दो बटे पांच और सात बटे पांच के बीच में। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो दिया गया है क्या वो परिमेय संख्या है। जी हाँ बिल्कुल, दो बटे पांच एक परिमेय संख्या है, सात बटे पांच एक परिमेय संख्या है। इसके बाद ये चेक करते हैं ठीक है बच्चों, इसके बाद ये चेक करते हैं कि जो इनके हर हैं क्या वो समान हैं। तो बच्चों बताओ इस वाले सवाल के लिए, क्या इनके हर समान है, इनके हर समान का मतलब होता है इक्वल, समान का मतलब होता है इक्वल, क्या इनके हर समान है बच्चों? बहुत बढ़िया जवाब ठीक है, बिल्कुल सही। ओके बच्चों अब ध्यान से देखिए, अब एकदम ध्यान से देखिएगा ठीक है। देखिए आप काउंट करो, दो के बाद क्या आता है, हमने देखा कि हर बराबर है, तो दो के बाद बच्चों क्या आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन लिख दीजिए, तीन बटे पांच। तीन के बाद क्या आता है, चार, चार बटे पांच, चार के बाद पांच आता है तो पांच बटे पांच, पांच के बाद छह आता है तो छह बटे सॉरी छह बटे पांच, और छह के बाद बच्चों सात आता है, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ठीक है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो आप ये देख पा रहे हो ना बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हो तीन बटे पांच, आप ये जो देख पा रहे हो चार बटे पांच, आप ये जो देख पा रहे हो पांच बटे पांच, और आप ये जो देख पा रहे हो छह बटे पांच, ये चारों के चारों क्या है आपके लिए, ये सब के सब बेटा परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि चारों संख्याएं ठीक है बच्चों, ये जो चारों संख्याएं आप देख पा रहे हैं ठीक है, ये चारों संख्याएं क्या हैं, दो बटे पांच और सात बटे पांच के बीच में हैं। और यही आपसे बोला गया था ठीक है बेटा, सवाल ध्यान से पढ़ो तो यही आपसे बोला गया था कि दो बटे पांच और सात बटे पांच के बीच में ठीक है, कम से कम दो परिमेय संख्याएं बताइए, हम लोगों ने तो चार बता दिया। क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? आ गया तो हमेशा हर को हमें क्या रखना होगा, तो बच्चों हर को हमें हाँ, हर क्रम क्या करना बराबर ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चा
यहाँ पे फिर से एक सवाल दिया हुआ है, -5/3 -8/7 ठीक है, -5/3 और -8/7 इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है बच्चों। सवाल एकदम अच्छे से देख लीजिए, सवाल में बोला गया है कि -5/3 -8/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखी, ठीक है बच्चों। अच्छा कोई बात नहीं, हमको बस आप इतना बता दीजिए कि क्या इनके जो हर हैं बच्चों, इनकी हर है, क्या भी बराबर हैं? नहीं है, उनके हर बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम क्या होगा? हर बराबर करने का, सबसे पहला काम होगा हर बराबर करने का। तो ये जो आप 7 देख पा रहे हो और ये जो आप 3 देख पा रहे हो, इन लोगों का 3 का गुणा करा दो, यानी 7 का गुणा कराओ इस वाली परिमेय संख्या में और 3 का गुणा कराओ इस वाली परिमेय संख्या में, 3 का गुणा करा दो बेटा, ठीक है, 3 का गुणा कराना होगा, 3 वाले का इसमें कराओ और 7 वाले का उसमें कराओ, कैसे होगा ध्यान से देखना, मैं सिखाता हूँ आप सभी, ठीक है, आप सभी बच्चों को सिखाता हूँ। देखो मैंने कहा कि 7 अगर वहां पे, तो यहाँ पे 3 गुणा करा तो 7/7 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर में गुणा करेगा, 3 यहाँ पे था तो 3 यहाँ पे गुणा करेगा, 3/3 हो जाएगा। ये वाली लाइन आप सब, आप सबको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ये वाली लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो जो दिया होगा मैं फिर से बताता हूँ, इरेज करके बताया था, मान लो यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 से गुणा और भाग करेंगे, ठीक है, और मान लो बेटा यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पे गुणा और भाग करेंगे, ये रूल है, ऐसा जरूर करेंगे, इससे होगा क्या कि हर बराबर हो जाएगा और हमेशा हर वाले का ही गुणा और भाग कराते हैं। तो 5 का गुणा 7 में करा दीजिए तो 7/5 और 3 का गुणा 7 में करा दीजिए तो 7/3 माइनस पहले से था तो माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अंश का गुणा अंश में कराए तो 8/3 और 7/3 इस तरीके से, तो -24/21 हो जाएगा ऐसे। इतना करने के बाद, ठीक बच्चा, इतना करने के बाद ध्यान समझिए, हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी थी, ठीक, तो -35 के बाद क्या आता है तो -34 आता है, तो -34/21 हो जाएगा, -34 के बाद क्या आता है तो -33 आता है, तो -33/21 हो जाएगा, -33 के बाद क्या आता है बच्चों -32 आता है, -32/21 हो जाएगा, -32 के बाद क्या आता है -31/21 हो जाएगा, -31 के बाद क्या आएगा -30/21 हो जाएगा, और इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है जबकि जब तक कि -24 न आ जाए, लेकिन सवाल में, ठीक बच्चा, लेकिन सवाल में हम लोग को क्या बोला था कि सिर्फ 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए हम लोग 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर चुके हैं, कैसे कैसे ध्यान से देखिए, देखो अरे एक तो ये हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा बच्चों हो गया, और ये आपका 5वां हो गया। 5 बोला था, 5 हमने कर दिया, और बोला तो और आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को समझ में आया? ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात और, इसको नोट कर रहे हो ना आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? ओके बेटा, बहुत बढ़िया लक्ष्मी, नोट करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना, जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो मैंने ये पूरा का पूरा आप सभी को सिखा दिया। एक और सवाल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल क्या है, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, एक जगह है -2, एक जगह है -1, और इनके बीच में बेटा 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आपको भी सर ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा ही नहीं है, बटे के रूप में लिखा ही नहीं है, तो हम कहेंगे इसको बटे के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। देखो -2/1 इसको लिख सकते हैं, -1/1, ठीक, इतना लिख दीजिएगा, ऐसे ही करिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एकदम ध्यान पहुंचिए।
अगर कोई संख्या परिमेय में नहीं होगी तो उसको परिमेय बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक से भाग दे दो, ठीक है। अगर कोई संख्या परिमेय में नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक से भाग दे दो, तुरंत परिमेय बन जाएगा वो। अच्छा, परिमेय बन गया। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि कितने संख्याओं को लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कितना बोला गया है आपसे, बताओ यहाँ पे कितनी परिमेय संख्याएं को लिखनी है, बताइए आप सभी बच्चे। तीन परिमेय संख्या लिखनी है, तो जितना बोला रहेगा ना बेटा, जितना बोला रहेगा उससे एक अधिक से गुणा करते हैं। तो देखो तीन से बोला गया है ना, तो तीन का एक अधिक करो क्या होता है, चार। तो चार से आप क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे यहाँ भी, और यहाँ भी चार से गुणा और भाग करेंगे। चलिए करते हैं चार से गुणा और भाग। कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सर चार से गुणा और भाग क्यों हुआ है, ठीक है। तो यही इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे तीन था, तो एक से बढ़ा करके करेंगे, ऐसे हो गया। यहाँ ये हो गया, तो अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, चार दुनी आठ हो जाएगा। हर का गुणा हर में कर दीजिए तो चार एकम चार हो जाएगा। ये बेटा देखो चार एकम चार हो जाएगा, और ये चार एकम चार, ठीक है, कितना हो जाएगा। हाँ, इतना होने के बाद अब आप गिनती चालू कर दीजिए। माइनस आठ के बाद क्या आता है, माइनस सात। माइनस सात के बाद क्या आता है, माइनस छह। माइनस छह के बाद क्या आता है, माइनस पांच। और बच्चों माइनस पांच के बाद क्या आता है, माइनस चार, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए तो हमें सिर्फ तीन ही परिमेय संख्या लिखनी थी। अब देखो मैंने तीनों ही परिमेय संख्याएं लिख दी है बच्चों। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और बच्चों ये रहा तीसरा, ठीक है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया, बच्चों क्या समझ में आया आप सभी बच्चों को? ओके, तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इस वाले सवाल को करिए आप सभी बच्चे, ठीक है बेटा, इस वाले सवाल को करिए। और अभी पोल ऑन नहीं होगा, लगभग 15 से लेकर के 20 सेकंड के बाद पोल ऑन किया जाएगा। पहले आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट। लगभग 15 सेकंड के बाद ही हम पोल ऑन करने वाले हैं, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक इसको सोचेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि लिखा क्या है। तो बच्चा लिखा है कि माइनस एक और शून्य के बीच में पांच परिमेय संख्याएं लिखी, पांच परिमेय संख्याएं लिखी। तो सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, जैसे मैंने सिखाया है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करेंगे तो जरूर आपका आंसर आएगा। चलो बच्चों अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ, सारे बच्चे कैमरा बंद कर लीजिए। बच्चों पोल ऑन हो चुका है, आप पोल में आंसर कर सकते हैं, सारे बच्चे आंसर करिए।
सारे बच्चे चैट में हाँ अभी आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ पोल में आंसर जरूर कर सकते हैं, तो इसीलिए पोल में आंसर करिए बच्चों। ओके बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 13 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत है बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चैट में इसका आंसर दे सकते हैं, ए बी सी या डी, कौन सा वाला करेक्ट होगा चैट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे कैमरा बंद करिए, जैसे कि बलवान के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, बलवान के नाम से जो बच्चा है, यस, अब ठीक है। मुझे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है आपको, हाँ यहाँ पे -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है ना बच्चों। कोई बात बताइए, -1 है और ये 0 है, तो मैंने कहा था जितना भी परिमेय संख्या लिखना होगा, अगर मान लो 5 है तो 1 बढ़ा करके गुणा करते हैं, 5 है तो किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो -1 को पहले बेटा आप क्या लिखोगे, -1/1, और 0 को क्या लिखोगे, 0/1। अब क्या करो, 6 से पूरा और भाग कर दो बच्चा, भाई सेम काम, भाई सेम काम बच्चा यहां भी करो आप। अच्छा इतना करने के बाद देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 का गुणा 0 में कराओगे आप 0 ही पाओगे, और 6 × 6 होता है बच्चों, ठीक है, इतना ही होगा। अब क्या किया जाएगा तो देखना बच्चा, इतना करने के बाद -6 के बाद क्या आता है, -5 आता है, -5/6, -5 के बाद क्या आता है, -4 आता है, -4/6, -4 के बाद क्या आता है, -3/6 हो जाएगा ऐसे, -3 के बाद -2 आता है, फिर -2 के बाद बच्चों -1 आता है, और अंत में आपका 0/6 तो है ही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं 5 परिमेय संख्याएं आपके लिए क्या हो जाएंगी आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आगे सबको, गुड बेटा गुड। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये आ गया तो ये इसका आंसर कौन सा वाला करेक्ट है बच्चों, ए वाला करेक्ट है, क्यों देखो, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6 फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, हाँ बेटा जो क्लास बच्चे करते हैं SRM सही से भरते हैं उनकी सारे बच्चों की अटेंडेंस लगती है बेटा, ओके। अब देखिएगा सारे बच्चे, देखो ये 100 लिखा हुआ है ना, 100 लिखा हुआ है, तो बच्चों क्या है, हम लोग इस 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, बताइए 10 × 10 लिख सकते हैं बच्चों, हाँ या ना, अगर हाँ तो y टाइप करिए और अगर नहीं तो n टाइप करिए बच्चों,
बहुत बढ़िया, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये जो 10 आप देख पा रहे हैं ये कितनी बार है बच्चों, ये जो 10 है वो कितनी बार है? तो बच्चों ये 2 बार है ना, ये 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 10 to the power 2। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम लोग 10 to the power 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 10 आप देख पा रहे हो ना, ये तो आप 10 देख पा रहे हो, कितने बार है? 2 बार है। लेकिन मान लो कि यही सवाल अगर ऐसे होता 1000 होता है मान लो, तो बच्चों 1000 को हम लोग लिखते हैं 10 × 10 × 10, तब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 10³। बताओ बच्चों ऐसा होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे बताएंगे। ओके बच्चा, ओके ठीक है, चलिए अब हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं देखिए। ये देखो ये 2 है ऊपर की तरफ और ये जो 10 है वो है नीचे की तरफ, ठीक है, ये जो 10 है वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो बच्चों इनका अलग अलग नाम है, ठीक है, इनका अलग अलग क्या नाम है, देखो ये जो नीचे की तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा बेस, और ये जो ऊपर की तरफ है इसको बोलते हैं हम लोग घातांक, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों मान लो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसे मान लो लिखा हुआ है 6 की पावर, ठीक है बेटा, 6 की पावर मान लो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या बता सकते हो कि यहाँ पे घातांक कितना है और आधार कितना है? बताइए यहाँ पे घातांक कितना है बच्चों, यहाँ पे घातांक कितना है? तो बच्चों यहाँ पे घातांक 5 है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस वाले सवाल में आधार कितना है, आधार, तो बच्चों आधार कितना है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलिए अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्योंकि आप बता रही है कि अगर 10 to the power 2 होगा तो इसको पढ़ते हैं 10^2 या केवल 10^2 पढ़ा जाता है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं 10^2 होगा, 10 to the power 2 पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में आपको मान लो पढ़ना है पढ़ सकते हैं 10^2 या 10^2 ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज और लिखी गई है बच्चा कि जो 10^2 है ना, जो 10^2 है ये क्या है, ये 100 का घातांकीय रूप है बच्चों,
हंड्रेड का क्या है घातांकीय रूप है, ठीक। तो अगर घातांकीय रूप है हंड्रेड का तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बताइए बच्चों। दिक्कत वाली बात है, उसको पूरा करा जा रहा है। अच्छा मान लो अगर लिखा हुआ जो नाव है उसका पूरा कराया जा रहा है दो बार, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं, पांच के ऊपर दो है तो उसको पांच का गुणा दो बार कराया गया है, तीन के ऊपर तीन है तीन का गुणा दो का तीन बार कराया गया, दो के ऊपर चार है दो का गुणा चार बार कराया गया है ना। और इनका गुणा करा के उत्तर भी ला सकते हैं, क्यों? देखो पांच बच्चे कितना होता है 25, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पांच का स्क्वायर रहेगा 25 लिखेंगे, फिर देखो तीन के ऊपर तीन है तो तीन के ऊपर तीन का गुणा इस तरीके से कराएंगे तीन बार में, तो तीन तरीका नौ नौ तरीके 27 लिखेंगे, दो के ऊपर चार है तो देखो दो के चार चार दो आठ और आठ 16 है ऐसे कराएंगे। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, क्या बोला गया है कि 25 का घातांकीय रूप लिखिए और घातांक और आधार का मान भी बताइए। तो बच्चों 25 लिखा है, ठीक है, चाहो तो आप इसको अगर सही ढंग से करना चाहो और एक गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड को निकाल लीजिएगा, पांच से कट करेंगे तो पांच पच्चीस 25, फिर पांच से कट करेंगे तो पांच एक कम पांच, इस तरीके से लिखा जा सकता है ऐसे। अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये पांच कितनी बार है बेटा, ये पांच है दो बार, देखो एक बार ये एक बार ये, पांच के ऊपर दो लिखेंगे, ठीक। अब ये हो गया आपका घातांकीय रूप और यही आपसे बोला गया था लिखने के लिए, तो 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? पांच के ऊपर दो होगा। अब पूछा जा रहा कि बताओ घातांक और आधार कितने होंगे, तो बेटा दो क्या होगा आपका घातांक होगा और पांच क्या होगा आपका आधार होगा। बच्चों दो आपका घातांक होगा, पांच आपका आधार होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ओके बच्चों, ओके चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो लिखा है निम्न में मान ज्ञात करिए, तीन के ऊपर बेटा चार लिखा है और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका मान कितना आएगा, तो क्या इसको सारे बच्चे अपने मन से करेंगे? अगर हाँ तो इसको अपने मन से करिए सारे बच्चे। अपने मन से करके बताइए तीन के ऊपर चार का मान क्या आएगा, तीन के ऊपर चार का मान क्या आएगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चों का उत्तर सही है, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ, ठीक है, जिन बच्चों का सही है मैं उनके नाम पढ़ता हूँ। देखो लालचंद के नाम से एक बच्चा है, इनका ठीक आंसर आया है, खुशी राम के नाम से बच्ची है, इनका भी आंसर ठीक है, आशीष के नाम से बच्चा या बच्ची है, इनका भी ठीक है, करमवीर के नाम से भी ठीक है, नेहा कटारिया के नाम से भी ठीक है, पवन वर्मा के नाम से ठीक है,
यस के नाम से, ठीक है, प्रमोद, सत्यवान, मनदीप, ये सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, अक्षय, अनूप, है ना। हाँ, नरसिंह नाम है आपका, ठीक है, अनूप का गलत है, अनूप का गलत है, ठीक है, बाकी लोग का सही। तो जिसका, जिसका बेटा 81 आ रहा है उनका ठीक है, बाकी लोगों का गलत है। कैसे देखो, कुछ बच्चे पता नहीं कैसे 181, पता है, एक बच्चे ने 181 लिखा, तो उसका देख ही देखा सारे बच्चे 181 लिखते जा रहे थे, है ना। लेकिन जो अच्छे बच्चे थे वो क्या लिख रहे थे, 81 लिख रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, ये वाले बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी ये लोग जो है वो कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। तो ये सही चीज नहीं है, इसको आप इम्प्रूव करिए, ठीक है। जितने बच्चों ने 181 लिखा है, वो सारे बच्चों को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। मुझे लगता है सबसे पहले वाला बच्चा तो गलत हो गया, उसने गलती से 181 लिखा, या फिर कैसे भी, फिर बाद में सारे बच्चों ने उसी का आंसर कॉपी कर दिया, तो चलो यही पे लिख देते हैं जब यही आंसर है। बेटा अपना सोचो आप, है ना, दूसरे का आंसर मत देख पा करो, अपना सोचो। जो बच्चे 81 बोल रहे थे उनका परफेक्ट है, और वो बधाई के पात्र हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक। अब देखिएगा कैसे, तीन पेपर चार है, तो यानी कि तीन को हम लोग 4 बार लिखेंगे बच्चों, ऐसे, ठीक। 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 तीन 81 होता है, आप खुद गुणा करो, 3 का गुणा 3 में करो, 3 3 का 9 होता है, यहाँ तक 9 मिल गया, फिर 3 से गुणा करो, 9 3 27 होता है, ये भी खत्म हो गया, फिर 3 से गुणा करो, 7 3 21 को 1 हासिल 2 होगा, 3 6 2 8, 81 होगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से होगा, ठीक। क्या सारे कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ओके ओके, ठीक है। देखो सारे बच्चे सॉरी बोल रहे हैं मुझे कि सर आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, आप लोग अच्छे बच्चे हो, चीजों को सीख लो, है ना, चीजों को सीख लो, कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को सीख लो आपको, ठीक। चलिए अब देखो यहाँ पे एक सवाल है, इसको आप लोग पहले अपने मन से करिए, ठीक है, उसके बाद से मैं बताऊंगा। देखो बेटा ये माइनस से घबराना मत, ठीक है, ये माइनस जो है घबराना मत, ये 3 बार है माइनस, ठीक है। और जब भी देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी माइनस के ऊपर कोई विषम संख्या होती है ना, तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है, और जब भी माइनस के ऊपर एक सम संख्या होती है तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है। तो ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ये माइनस के ऊपर 3 लिखा है, और ये जो 3 होता है ये क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। जब ये विषम संख्या है ना बच्चों, जब ये विषम संख्या है, तो इसको हल करने पर, इस पूरे को हल करने पर जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक में आएगा। इतना मैंने बता दिया, आप अब सवाल को कर सकते हैं, चलिए करिए, सारे बच्चे बताइए, पूरा उत्तर बताना है। देखो सिर्फ आप पहले वाले का बता रहे हो बच्चों, अब ध्यान से देखो, सिर्फ आप इसका बता रहे हो, अरे बेटा इसका नहीं मैंने पूछा है, मैंने इन दोनों का देखो क्या दिया है बीच में, देखो इन दोनों के लिए मैंने क्या दिया है बीच में, देखो ध्यान से, तो इन दोनों के लिए मैंने दे दिया है आपको गुणा, तो इन दोनों के मान लिखिए, इन दोनों के जो मान आते हैं उनको क्या करिए, आपस में गुणा करिए, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। गुणा भी करिए बच्चों, आप लोग माइनस लगा दे रहे हैं या कुछ और कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, उस संख्या का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ आप सभी बच्चों को, मैं सिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको सिखाता हूँ, अच्छा सवाल था ये, 2 के ऊपर 4 है, -3 के ऊपर 3 है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, 2 के ऊपर 4 है, 2 के ऊपर 4 का मतलब देखो, अच्छा रुको मैं यही लिख देता हूँ ताकि आप सारे बच्चों को समझ में आता रहे, 2 के ऊपर 4 का मतलब 2 का जो गुणा है वो कितने बार कराना है, 4 बार कराना है, -3 के ऊपर क्या है, 3 है, फिर
माइनस तीन का गुणा माइनस तीन का गुणा, तीन बार कराएंगे क्योंकि तीन है। अच्छा इतना कराने के बाद देखना, दो दूनी चार, चार दूनी आठ और आठ दूनी 16। देखो बीच में क्या है, ये तो बीच में एक गुणा है, गुणा देखो यहाँ पे। अब देखो तीन त्रिक का नौ और नौ त्रिक 27, तो ये 27 है। लेकिन एक चीज मैंने अभी कुछ सिखाई थी कि जब जब विषम बार माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो जब विषम बार माइनस होता है, देखो एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, तीन बार माइनस है। जब तीन बार माइनस हो, पांच बार माइनस हो, सात बार माइनस, यानी विषम संख्या हो, तो उत्तर हमेशा कैसा आता है, ऋणात्मक आता है, यानी कि माइनस में आता है। तो ये क्या होगा, ये 27 नहीं होगा, ये -27 होगा। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, अब इस 16 का गुणा करिए इस वाले -27 से। ठीक है, तो देखिए 27 गुणे 16 है बेटा, 6 सती 42 होता है, दो लिखेंगे हासिल 4 होगा, 6 दूनी 12 4, 16 होता है, 27 से कम 27 होता है, ये हो जाएगा 2 7 6 13 3, हासिल 1 होगा, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 432 होगा। लेकिन बच्चों अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है माइनस, ये माइनस आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको आप छोड़ नहीं सकते। चलिए मैं माइनस लिख देता हूं, आपका उत्तर बनेगा -432। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक सवाल लिखा है, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या है सवाल, देखो ध्यान से बच्चों, सवाल देखो लिखा है, जो ए है ए गुड़े ए, फिर लिखा है सी गुड़े सी, फिर लिखा है डी। तो बोला है इसका घातांकी रूप कितना हो, यानी कि इसको समेट करके बताओ घातों के रूप में क्या लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सभी जानते हैं कहाँ करना होगा, तो बेटा इसको करना होगा होल सेक्शन में। चलिए तो मैं सारे बच्चों के लिए पोल ऑन कर देता हूँ, सबके लिए पोल ऑन हो चुका है बेटा, पोल में जाइए, सही उत्तर चूज करने का प्रयास करिए। अच्छा एक चीज और मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है रुक जाइएगा। देखो ये कई बच्चों को छोटा दिख सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखो पी के पावर 3 है ये, पी के ऊपर ये 4 है बेटा और डी है, तो ये देखो क्या है, ए के ऊपर 3 है, सी के ऊपर 4 है, डी है, ये है ए सी डी, और ये लिखा हुआ है ए के ऊपर 3, सी के ऊपर 4 और डी के ऊपर 3। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और कुछ नहीं, ठीक है बस आपको सही तरीके से देखने के लिए लिख। सारे बच्चे आंसर करेंगे, अब तक 9 बच्चों का, इनफैक्ट 10 बच्चों का सही उत्तर आ चुका है। अब तक 10 बच्चों का सही उत्तर आ गया, 12 बच्चों का सही उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। बाकी लोग आंसर कर दीजिए, बस 10 सेकंड का और समय है, उसके बाद से पोल बंद कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे चैट में लिख सकें इसका उत्तर। ध्यान से देखिएगा, जो ए है वो कितने बार है, वो 3 बार है, वो तो ए के ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक, जो सी है
चार बार है तो सी के ऊपर फोर हो जाएगा। और बच्चों ये जो डी है वो सिर्फ एक बार है, तो डी को सिर्फ, ठीक है, डी को हम लोग सिर्फ डी भी लिखेंगे। तो कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा बच्चों, कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? तो बी वाला विकल्प ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चों, तो बच्चों ये क्लास यहीं पे होगा। रुकिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।